मुझे मिडिल फिंगर दिखा के जा रहा है। इसको तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। अभी इसको बताती हूँ, इसने मुझको मिडिल फिंगर दिखाई है ना। पुलिस को कॉल करती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, हाँ प्लीज जी यहाँ पर आइए, ब्लॉक है। ओके। हाँ मैडम, क्या हुआ, आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। सर वो क्या है ना, मैं वहाँ से जा रही थी, एक लड़का बाइक पर आया और मुझे गंदे इशारे करके गया था। इशारे करके गया? आपने इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ बुलाया? अच्छा क्या इशारा किया था? सर वो मुझे अपनी मिडिल फिंगर दिखा के गया था। मिडिल फिंगर दिखा कर गया था? अरे तो मैडम जाने दो ना, कौन सा आपको टच करके चला गया वो। सर आप कैसी बातें कर रही हो, ऐसे कैसे जाने दूं मैं उसे? आप कंप्लेंट लिखो उसके खिलाफ। अरे मैडम अगर उसने आपको टच किया हो या छेड़ा हो, बदतमीजी की हो या फिर आपका कोई सामान चोरी करके भागा हो तो कंप्लेंट लिखे भी, एक इशारे के ऊपर आप कंप्लेंट लिखवा रही हो। कल को किसी और के साथ भी ये चीज हुई तो? अच्छा ठीक है, आपको कंप्लेंट लिखवानी है ना। हाँ। क्या क्या सबूत है आपके पास उसके खिलाफ? मुझे उसके बाइक का नंबर याद है। बताइए क्या है बाइक का नंबर? 1299। ठीक है, इससे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसको पुलिस स्टेशन बुला लेता हूँ और आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए। सर आपने बुलाया मुझे? तू जानता है इनको? नहीं सर, इन मैडम को मैं नहीं जानता। अच्छा तू इनको नहीं जानता तो इशारा करके क्यों भागा था? इशारा? सर मैंने कोई मैडम को इशारा विशारा नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हो? सर ये झूठ बोल रहा है। तूने वहां पे ए ब्लॉक के आगे मुझे इशारा नहीं किया था जब तू बाइक पे था? सर मैं तो कह रही हूँ उसे लॉकअप में डाल दीजिए आप। हाँ तू ऐसे नहीं मानेगा, चल लॉकअप में। सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनू तेरी, चल बता क्या बात है। सर एक्चुअली मेरी फिंगर्स में प्रॉब्लम है और ये वाली मिडल वाली फिंगर मेरी फोल्ड नहीं हो सकती, हमेशा सीधी रहती है। और मेरी बाइक का भी इंडिकेटर टूटा हुआ था सर, इसलिए बस मैंने लेफ्ट जाने के लिए ये हाथ दिया था और इन मैडम को लगा कि मैंने इनको कोई गलत इशारा किया, लेकिन सर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए मैडम, चेक कर लीजिए। नहीं सर मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, आप ठीक से चेक कीजिए ना। अच्छा अच्छे से चेक करूं? एक काम करते हैं इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, इसके टेस्ट करवाते हैं। अरे इतना टाइम है क्या मैडम हमारे पास? जब वो बोल रहा है उसके हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ में प्रॉब्लम होगी ना। हाँ मैडम वहां पे इसने बस एक इशारा किया था, आपके साथ बदतमीजी थोड़ी ना की थी जो इतनी बड़ी बात बना रही हो आप उसका। और इसकी तरफ से आपके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिख लूं तो, कि आप परेशान कर रही हो उसको पुलिस स्टेशन में बुला के? अरे सर रहने दीजिए ना, छोटी मोटी गलतफहमी तो होती रहती है, लेकिन एक इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा नहीं बनाना चाहिए था मैडम आपको। देख लीजिए मैडम। आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको जल्दबाजी में गलत समझ लिया। अब खुद पर बात आई तो सॉरी बोलकर निकल गई। क्या बोलूं सर मैं तो, मुझे आपने तो खाम खा बुला लिया ना। अरे क्या करूं यार, प्रेशर बना रखा था, खिलाफ कंप्लेंट करनी है उसको पुलिस स्टेशन में बुलाओ। आई एम रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं सर, गलती तो आपकी भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, हमेशा लड़के गलत होते। चलता हूँ सर।